सबसे पहला तो आप लोग का पहला काम क्या होता है कि जो आप फोटो ले रहे हैं ना, उस फोटो को आप क्या करो, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे या अपने कंप्यूटर में क्या कर दीजिए, रख लीजिए, है ना। जब आप किसी भी माध्यम से, किसी भी डिवाइस के माध्यम से ले लेते हैं, तो इस फोटो को अब क्या करना है, इसको फोटोशॉप में हमको लाने का काम होता है। कहाँ पे लाने का काम होगा, फोटोशॉप में। तो आप फोटोशॉप ऑन कर लीजिए और यहाँ से एक फाइल ले लीजिए न्यू, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए ये फोटो आ जाता है, ये फोटो आ गया आपका, ये मिस्टर राज का फोटो है, भोला। हम मोबाइल के माध्यम से अपना डेस्कटॉप में रखें, वो पेंट से ये फोटो कहीं से माध्यम हो, आप फाइल के माध्यम से यहाँ ओपन करके वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से फोटो कॉपी की, यहाँ से जो हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाकर कॉपी किया, और फोटोशॉप में जाकर एक नया पेज लिए, न्यू फाइल लिए, ओके किए, और कंट्रोल वी करके यहाँ से पेस्ट कर दिए, तो वो फोटो यहाँ पे आ गया हमारा, कहाँ से, पेंट से। और पेंट को हम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। होता क्या है कि जब आप किसी मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी का फोटो अगर लेते हैं, तो उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है, वो डायरेक्ट क्या नहीं होता है, नहीं खुलता है। किस में नहीं खुलता है, फोटोशॉप में नहीं खुलता, तो उसको आप पेंट में निकाल के कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है कि आप अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका एक ये, तो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैजिक टूल्स। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यही ना। और दूसरा क्या है, दूसरा जो तरीका क्या है, इसके अंदर प्लगइन टूल्स है, ये वाले टूल्स, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं ना। अगर कट नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं जेपीजी में। जेपीजी में हम डेस्कटॉप के ऊपर रख दें, यहाँ पे लिख देते हैं भोला, भोला, भोला लिख के हमने सेव कर लिया। और आप यहाँ से, आप लोग नेट के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिजी रिमूवल शॉर्टकट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे हमेशा, ये रिक्वायरमेंट आपका नेट से होगा, है ना। आप यहाँ से जाइए, कनेक्ट कर लीजिए, और वेबसाइट में आके यहाँ से आप बिजी रिमूवल एक तो क्या होगा, वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप जो पेज हम लोग का फोटो है, उस फोटो को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम ये फोटो को आपको निकाल रहे हैं जिसका नाम है भोला, देखिए ये भोला का फोटो है, ये भोला का फोटो को हमने निकाल लिया यहाँ से, भोला का फोटो यहाँ पे क्या हो रहा, एडजस्टमेंट हो रहा है, अब यहाँ पे काम हो रहा है, देखो एडिटिंग हो गया। अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ से जो है फोटो, ये फोटो को ओपन कर लेते हैं, ये फोटो हो गया। अब इसको हम लोग राइट क्लिक करते हुए, राइट क्लिक करते हुए हम लोग किस में ला सकते हैं, फोटोशॉप में ला सकते हैं। तो अब देखो ये फोटोशॉप में दो फोटो आ गया, एक में भी क्या है, बैकग्राउंड है, दूसरा में बैकग्राउंड नहीं है। अब ये वाला इसको काट देते हैं, और ये वाला जो है इसका हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेरा ओरिजिनल अगर गलत हो जाए तो क्या होगा, डुप्लीकेट ओरिजिनल मेरा अगर डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा वो फोटो काम आए फ्यूचर में, ठीक है। अब ये फोटो के अंदर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, राइट। चेंजेस क्या, इस फोटो को हम थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर हम सबसे पहला चीज़ हम लोग चलेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं खूबसूरती को बढ़ाने में। अब देखिएगा जो है ना, थोड़ा देखिएगा आप लोग, है ना, कि जिस तरह से अगर अच्छा लगे हमको बताएंगे, है ना। इसके माध्यम से आप लेके इस पिक्चर्स को आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, यहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये मास्टर है, इसमें कलर बनता है, फेस का कलर, फेस का जो हम लोग का कलर बना है बहुत सारा मिलके बनता है, तो यहाँ पे फेस का कलर जो है वो बनेगा। देख रहे हैं ना, ये हो गया। दूसरा है इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर
कलर बैलेंस, ये कलर भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड में रेड होगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गोरा करना, ज़्यादा गोरा नहीं करना, ठीक है ना रेड, नहीं तो आदमी शक कर लेगा कि अरे राज इतना बोला गोरा कैसे हो गया इतना। ठीक है, ओके कर दिए, राइट। अब यहाँ पे इमेज के अंदर हम लोग यहाँ से हम लोग सब तो ले लिए, कर्वस ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइटिंग पन आता है, तो लाइटिंग जो पूरा चेहरा में दिखेगा तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, राइट, इसको ऐसे ही रखें। ये बन गया, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि कालापन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये वाला टूल लेकर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ बॉर्न टूल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाल को काला कर सकते हैं, ये जो हीरो गिरी कर रहा है ना, ये तो अपने अनुसार हम लोग काला कर सकते हैं बाल को, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये डॉग टूल से, इससे क्या होता है, थोड़ा सा चेहरा साफ होता है, यहाँ पे जो है ना देख रहे हो ना, देखना यहाँ पे है ना, इसका ज्यादा प्रयोग मत करना नहीं तो फोटो खराब होने का, जहां जहां कालापन है वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ गोरा हुआ या नहीं हुआ, ये कर लिए, करने के बाद इसको कंट्रोल एस कर दो तो सेव हो। देखो ये कर लिए, करने के बाद हमको क्या करना है, इसका अगर इमेज हमको चेंज करना है तो इमेज अगर है तो ठीक ही है, नहीं तो हमको क्या करना है, फिर से लेना हम लोग क्या न्यू, और यहाँ से हम लोग वाइट लेना है या बैकग्राउंड कलर लेना है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग कोई भी बैकग्राउंड कलर हम लोग दे सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड देना है आपको दे दीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा दीजिएगा कि फोटो शूट करें, है ना, ठीक है। अब ये फोटो को हम लोग ला के यहाँ पे रख दिए, ठीक है, कंट्रोल टी दबाइएगा, आइए फोटो एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए, ऐसा सेट कीजिए, जब चेहरा लाइट हो तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, है ना। अब इसका फोटो को हम लोग के लेना पासपोर्ट साइज बनाना, तो पासपोर्ट के हिसाब से हम फोटो करेंगे, कर देख रहे हैं ना, पासपोर्ट के हिसाब से हम लोग फोटो कर्व कर लिए, मेरा पासपोर्ट हो गया, राइट। अब इसको क्या कर दो, फाइल में जाके सेव कर दो, किस नाम से सेव कर दो, कोई भी नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर दिए, इसको भी हम लोग कटिंग कर दिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद सबसे पहला तो वो फोटो जो भोला का, वो फोटो निकाल लेते हैं भोला का, हाँ क्या बोला, नीचे, नीचे, नीचे। निकाल लिए। अब यहाँ से इमेज के अंदर जाके साइज भी बना सकते हो आप लोग, ये साइज थोड़ा सा बड़ा है, 1.2 और 1.4, ये साइज हो गया है ना, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लीजिए या कंट्रोल एन कर लीजिए, और यहाँ से हम लोग वाइट रखते हुए यहाँ पे हम लोग A4 साइज लेंगे और ओके में क्लिक करेंगे, ये साइज आ जाएगा, कंट्रोल भी करेंगे पेस्ट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कंट्रोल टी करके आप इस फोटो को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और इंटर मार दीजिए। अब इसका बॉर्डर देना है सबसे पहले, तो बॉर्डर देने के लिए फोटो सेलेक्ट किया हुआ है, फाइल में जाइए, कहाँ जाना है जी, फाइल में नहीं जाके एडिट में चले जाइए, कैसे में जाइए, एडिट ऑप्शंस में, एडिट ऑप्शंस के अंदर यहाँ स्टॉक है, क्या है, स्टॉक है, स्टॉक में क्लिक कीजिए और यहाँ पे
स्टॉक देना है, सेंटर में देना है या ऑन पिक्सल में ओके कर दीजिए तो ये सेंटर में हो जाएगा। देखिए अगर जूम कीजिएगा तो आ गया। आप इसको आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, एडिट के अंदर स्टॉक हम 2 पिक्सल दे सकते हैं, 2 पिक्सल आ गया। ठीक है, अब इस फोटो को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? यहाँ, यहाँ लेके जाना है फोटो। फोटो ले जाने के बाद यहाँ रख दीजिए आप, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट दबाइए, ड्रैग कर दीजिए। ये फोटो कितना आना चाहिए? 6 पीस आना चाहिए। कितना पीस आना चाहिए जी? 6 पीस। एक पेज में कितना आएगा? 6 पीस आएगा, याद रखिएगा। ये आपने बना दिया फोटो। अब इस फोटो को जाना है फाइल में, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करने के लिए ये वाले शो को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से जो साइज है, यहाँ पे पेपर का साइज है, यहाँ से पेज सेटअप कर लीजिए। यहाँ से लेटर हटाकर आप लोग A4 कर लीजिए, ओके कर लीजिए, एक आ गया। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है मार्जिन को आप लोग कम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे पेज सेटअप ऑलरेडी हो चुका है हमारा, A4 साइज हो गया है, प्रोटेक्ट में है। अब अगर हमको प्रिंट देना हो तो प्रिंट में यहाँ पे क्लिक मारिएगा, ये फोटो निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ टॉप है, लेफ्ट लेफ्ट को अगर घसकाना है, इधर देखिए लेफ्ट से घसकाना है तो लेफ्ट से घसक जाएगा यहाँ पे। खाली हम लोग को ओके नहीं करना, अगर ओके अगर कर देते हैं आप लोग, यहाँ से ओके कर देते हैं तो प्रिंट हो जाएगा आपका, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, देख लिया। अब यहाँ पे ओके कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रिंट नहीं करना, आप फोटो यहाँ से हमारा बन चुका है, देख रहे हैं ना। अब ये फोटो को और भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जितना फोटो लेना। तो ये भोला का फोटो बड़ा सुंदर बन गया है, ये भोला को फोटो चाहिए क्या? ठीक है, अगर ये भोला को फोटो चाहिए, आज कंप्लीट हो गया ये चीज़, तो आप लोग कर सकते हैं, है ना, इसी तरह से। तो ये भोला का जो मेरा फोटो है, वो भोला का फोटो कहाँ पे है सेव, हम भोला को व्हाट्सएप में कर देते हैं, है ना, भोला का व्हाट्सएप में, भोला जी का व्हाट्सएप यहाँ पे है, भोला जी का व्हाट्सएप। भोला नंबर क्या है, भोला पार्ट टू या भोला? तो देखिए जो फोटो अभी बना है उसको हम भोला को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं भोला। अब भोला पापा या भोला स्टूडेंट, भोला टू नंबर लास्ट में ही है। यहाँ पे आइए, फोटो में आ जाइए आप, यहाँ से डेस्कटॉप में जो भोला का फोटो है ये वाला, उसको निकालिए, सेव कीजिए और यहाँ पे भोला को दे दीजिए। देखिए भोला आपका फोटो मिल गया होगा, आप उसको आराम से आप फेसबुक में छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में लगा सकते हैं, स्टोरी भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर गोरा बन गया है तुम, मिल गया बोला बोला। तो आज की क्लासेस हम लोग का यहाँ रहा फाइनल फोटोशॉप का, आप अपने अनुसार आप बना सकते हैं A to Z हर एक चीज़ को।